तो ये देखिए दोस्तों, मुरब्बा फाइनली हमारा रेडी हो गया है और सबसे पहले इसको हम चेक करने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसा बना है मुरब्बा हमारा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अच्छा है, मज़ेदार बना है दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा है, नंबर वन बना दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, हम नेशन चल रहे हैं, तो दोस्तों हम बनाने वाले हैं आज आम का मुरब्बा। यहाँ पे देखिए हमारा सारा सामान रेडी है। ये हमारा आम, और इसमें है डालेंगे दो भेली। ये देखिए दोस्तों, भेली हमारा है। ये है इसका मसाला, ये है धनिया दोस्तों, और ये है सौंफ, ये है जीरा, ये है लाल मिर्चा सूखा। और ये थे दोस्तों हमारे बाबू के लिए, हमको चटनी पीसना है। वो चटनी भात आज खाने के लिए बहुत उसका मन हो रहा है, तो चटनी भात अभी खाएगा। तो भी चले दोस्तों, हम इसको भूल कर के पीस लेंगे। और इस लहसुन को भी हम मुरब्बे में डालेंगे, तो इतना लहसुन तो हम मुरब्बे में डालेंगे दोस्तों, इसका हम पीसेंगे चटनी। और देखिए दोस्तों, हमने आम को पहले से ही बाल लिया है, और ये सारा हम खड़े ही इसको बनाएंगे। खड़ा भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आम को उबालने से यह होता है कि खट्टा जो आते रहता है, तो खट्टा इसका निकल जाता है, और मुरब्बा काफ़ी अच्छा होता है खाने में, इसलिए हमने इसको उबाल लिया। आप भी अपने घर पर कभी उबाल के ही बनाइए, तो मुरब्बा बहुत ही अच्छा होगा खाने में। और ये देखिए दोस्तों, हमने गैस पर लगा दिया है, और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो चले इसमें डाल के हम धनिया और मिर्चा सौंफ को डाल कर देंगे। तो चलिए इसको भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा धनिया लगभग लाल हो चुका है। देखिए किस तरह से आवाज़ थोड़ा थोड़ा कर रहा है, और मिर्चा भी लाल हो। अभी हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और गैस को बुझा देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा धनिया रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, गैस को हम ऑफ कर दे रहे हैं। हमारा थोड़ा गैस खराब हो गया दोस्तों, तो बटन जल्दी से बंद हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा धनिया तो रेडी हो चुका है, तो इसको हम निकाल ले रहे हैं। देखिए महक बहुत अच्छा आ रहा है सौंफ का, सौंफ डालने से इसका महक और स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, मेरा बाबू चटनी पीस रहा है। हाँ दोस्तों, हम चटनी पीस रहे हैं। उनको बहुत तेजी से भूख लग रहा है, चटनी पीस रहे हैं। भूख पीस चुके हैं? हाँ पर ही पीस चुके हैं। हमको भी भूख लगा खिलाओगे कि नहीं? खिलाएंगे। तो देखिए चले दोस्तों, हम धनिया अपना मिर्चा सिल बैठ कर पीस लेंगे। दोस्तों हमारा सिल छत पे, आप लोगों को तो पता ही है, तीन के नीचे है। तो चलिए पीसते हैं अभी हम। मेरा बर्थडे हुआ था ना, आप लोग देखे थे ना वीडियो, दोस्तों पकड़ लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम मसाले को पीस ले रहे हैं। हम पीसना स्टार्ट कर दिया है, और वहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा बाबू चटनी पीस कर खुद ही चटनी बहुत खा रहा है। खाने के लिए स्थान रहे हैं हमारे बाबू। बाबू चटनी बहुत खा रहे हो? हाँ खा रहे हैं। मर्चा ज़्यादा नहीं पीसे हो? नहीं। देखिए दोस्तों, मसाले अभी इसको हम ले रहे हैं। देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला रेडी है, अब चल रहे हैं नीचे हम। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा चूल्हा फूट गया है पूरा। यहाँ पर बच्चे लोग बैठ कर सारा चूल्हा तोड़ दिए, क्योंकि खाना नहीं बन रहा था, इसलिए चलो बैठते हैं इस पर। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, टीन पूरा जलता है दोस्तों, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, इसलिए हम खाना यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। देखिए कितना भयानक धूप है। तो दोस्तों सुबह से ही धूप यहाँ पर आ जाता है, 6 बजे ही, 7 बजे लगभग जल्द धूप हो जाता है, तो इसलिए हम खाना नहीं बना रहे। देखिए हमारा नया चूल्हा भी तैयार हो गया है, तो चूल्हा फिर हम इसको गाड़ लेंगे जब फूट जाएगा ज़्यादा, तभी तो वो लगभग बन ही जाएगा। मिट्टी चूल्हा लगा देंगे तो बन जाएगा। उसके बाद में जब मौसम थोड़ा ठंडा होगा दोस्तों, तब फिर हम खाना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे अभी हम। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली अभी जो है हमारा मसाला, मुरब्बा का मसाला रेडी हो चुका है, और कढ़ाई भी दोस्तों फाइनली गर्म हो गया है। इसमें तेल डालने जा रहे हैं, देखिए परी की मम्मी। चलो तेल डालो। तेल डाल दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए। देखिए तेल डाल दिए दोस्तों, और कढ़ाई पूरी तरह से हीट हो चुका है दोस्तों। अभी इसमें जो है जीरा वगैरह का तड़का लगाएंगे। तो तेल दोस्तों देखिए फाइनली गर्म हो चुका है, इसमें अब तड़का लगाने के लिए क्या डाल रही हो? जीरा और सौंफ का तड़का लग रहा है, देखिए दोस्तों मस्त। हाँ सौंफ डाल दो, जीरा और सौंफ का तड़का लगाते हैं दोस्तों हम लोग मुरब्बा बनाने के लिए। यहाँ पे मसाला, भेली और ये आम,
ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल दे रहे हैं हम, और स्वाद के थोड़ा सा लाल मिर्चा अगर डालेंगे दोस्तों तो काफी मजेदार हो जाता है। देखिए तुम्हारा काला वाला काय कितना सुंदर है, काफी मस्त मुरब्बा बनता है। और अब इसमें दोस्तों लहसुन को डाल दे रहे हैं, देखिए मस्त एकदम काफी मस्त सुगंध आ रहा है इसमें से, बहुत ही अच्छा। आम का कलर देखिए दोस्तों, ये उबाल कर रखा हुआ है बहुत मस्त, ये पूरा खड़ा खड़ा आम है दोस्तों, इसको हमने काटा नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है अगर खड़ा बनाएंगे। मसाला लाल हो गया है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिर्चा लहसुन तो पूरा ब्राउन कलर में आ गया है। अब इसमें दोस्तों आम को डाल दिया जा रहा है देखिए मस्त एकदम से, और अभी थोड़ी देर में हमारा मुरब्बा बनकर तैयार होने वाला हो गया है दोस्तों। परी आयुष ये सब भी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों मुरब्बा खाने के लिए, नहीं खाती है परी को बहुत ज्यादा पसंद है ना, परी दोनों वैसे ही खाएंगे, इसीलिए हम आम के काटे नहीं हैं दोस्तों, ऐसे खा रहे हैं, यही अच्छा होता है खाने में, बिना काटे भी मस्त होता है। और अब इसमें दोस्तों डालते हैं मसाला, भुना मसाला, ये भुना हुआ मसाला है दोस्तों जो हमने भी जीरा सौंफ और मिर्चा धनिया को पीस करके रखा था दोस्तों। इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे दोस्तों पकाएंगे, हाँ नहीं तो ये जल जाएगा। वैसे मसाला पहले से तो लगभग भुना हुआ था, थोड़ा सा और पका लेंगे तो हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए जैसे मैं भेली और चीनी डालेंगे, क्योंकि भेला थोड़ा सा डालेंगे तो कम मीठा होगा, फिर चीनी भी डाल देंगे। हाँ चीनी और भेली दोनों है इसमें दोस्तों, देखिए हमारे पास चीनी थोड़ा कम था दोस्तों, जिसमें थोड़ा चीनी डाल दे रहे हैं। और अब इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों देखिए, और थोड़ी देर में हम दोस्तों डालने वाले हैं नमक, ये देखिए मोर छाप नमक है दोस्तों, आयोडीन वाला नमक है। मसाला पक चुका है दोस्तों, और अभी इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। आयुष ये बताओ, ये जो मतलब इसका जूस है गाढ़ा चाहिए कि हल्का? गाढ़ा, गाढ़ा वाला, हाँ नहीं तो रोटी पे नहीं रुकेगा ना। और अब इसमें दोस्तों मिलाने जा रहे हैं देखिए परी की मम्मी नमक, नमक को स्वाद के अनुसार से मिला लेंगे दोस्तों, किसी किसी को नमक थोड़ा सा खाना ज़्यादा पसंद है और कोई मीडियम भी खाते हैं दोस्तों, हम लोग तो मीडियम खाते हैं दोस्तों, ना कम खाते हैं ना ज़्यादा, तो नमक को मिला दिए हैं दोस्तों देखिए। और अभी थोड़ी देर में मुरब्बा हमारा तैयार होने वाला है दोस्तों, अभी चला दे रहे हैं हम अच्छे तरीके से मिल जाए। और ये देखिए दोस्तों हमारा मुरब्बा लगभग तैयार हो चुका है दोस्तों, करीब जो है 15 से 16 मिनट तक इसको हम लोग पका लिए हैं, और इसका जो जूस है दोस्तों अभी वो पक चुका है, तो 5 मिनट और पका करके इसको उतार देते हैं कि नहीं। हो गया रेडी हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों हमारा मुरब्बा फाइनली रेडी हो चुका है दोस्तों, हमने गैस को बंद कर दिया है, और ये देखिए दोस्तों कितना मस्त मुरब्बा बना है। हेलो परी, परी और परी के लिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा निकाल रहे हैं, वो बहुत पहले से परेशान थी, देखिए कितना मस्त बना है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों वाह। तो ये देखिए दोस्तों मुरब्बा फाइनली हमारा रेडी हो गया है, और सबसे पहले इसको हम चेक करने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसा बना है मुरब्बा हमारा, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अच्छा है, मज़ेदार बना है दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा है, नंबर वन बना दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक आसान सा रेसिपी मुरब्बा बनाने का, इस रेसिपी को आप लोग जो है घर पे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमने बहुत से ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है तो ज़्यादा मसाला खाना भी ठीक नहीं है सेहत के लिए, तो एक बार ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाइए। तो दोस्तों मैंने तो चेक कर लिया, एकदम फर्स्ट क्लास लगा दोस्तों हमको, और ये करी की मम्मी चेक करने जा रही हैं, ये भी चेक करके बताएँगे आप लोग को कि कैसा है। चलो ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग कहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर बना कर खाइएगा आप लोग दोस्तों। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।